जबलपुर हनुमानताल थाना अंतर्गत सरकारी कुआं क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुएं में कपड़े में बनी हुई लाश तैरती हुई नजर आई। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई। इसके बाद सीएसपी हनुमानताल अखिलेश गौर मौके पर पहुंचे, के साथ थाना प्रभारी हनुमानताल उमेश बुलहानी भी मौजूद थे। थाने का पूरा स्टाफ वहां पर पहुंच चुका था। घंटों की मशक्कत और तफ्तीश के बाद लोगों से पूछताछ करने के बाद यहां पता चला कि यह कुआं कब्रिस्तान में स्थित है। कुएं की दीवार जर्जर होने के चलते कब्रिस्तान में दफन हुआ एक शव गिरकर कुएं में आ गया था। शव का बाकायदा अंतिम संस्कार भी किया गया था। अब इस मामले में पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। इसके बाद पुलिस ने सीएसपी अखिलेश गौर के निर्देशन में इस मुर्दे को वापस कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चाओं में बना हुआ है। आदर्श न्यूज के लिए जबलपुर से पत्रकार सुनील सेन की रिपोर्ट। के पास में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक महिला की बॉडी कुएं के अंदर पड़ी हुई है, जिसकी उपस्थिति थाना घमापुर और हनुमानताल की टीम आई और यहाँ पर तस्दीक की। जो कब्रिस्तान और यहाँ मरघटाई को जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की गई, जिसमें ये पता चला कि ये बॉडी कोई जो दफनाई गई थी वो निकल के बह के साइड वाले गड्ढे से कुएं में आ गई है। इसकी तस्दीक की गई और ये पाया गया कि बॉडी के ऊपर बाकायदा जो विधि विधान है उसके तहत उसमें उसके ऊपर अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन चूँकि बॉडी दफनाई गई थी वो बह के वहाँ आना इनके द्वारा बताया जा रहा है। इसमें पुलिस द्वारा भी प्राथमिक तौर पर किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध प्रतीत नहीं हो रहा। यदि किसी प्रकार की कोई सूचना आती है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी बॉडी को एज इट इज दफना दिया जा रहा है और इसमें कथन नोट किए जा रहे हैं जो कब्रिस्तान में कार्य करने वाले लोग हैं। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।